महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को करीब एक महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। दो लोग सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जैसा विपक्ष या फिर जो लोग सत्ता से अभी हटे हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं। 19 जून को उद्धव की सरकार गिर जाने के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। बीजेपी और शिंदे की नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी पेचीदगियां क्या है और कब हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। इस बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और भाजपा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गतिरोध की खबरें भी सामने आने लगी हैं। इन्हें मामला और खींचतान बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कि शिंदे और बीजेपी के बीच नए मंत्रियों को लेकर पेच फंसा पड़ा है। वही तमाम कयासों के बीच अब खुद सीएम शिंदे ने कहा है कि अगले 3 दिनों में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। एक अखबार से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने नए मंत्रियों की नियुक्ति पर बड़ा दावा किया है। शिंदे ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि कैबिनेट के विस्तार में देरी हुई है, लेकिन किसी भी स्तर पर इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। अगले 3 दिनों में हम लोग मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। एक बार फिर से बता दें कि मंत्री चुनने को लेकर कोई विवाद नहीं है, अब इसमें कोई देरी नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच इस बात को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है कि कैबिनेट का विस्तार एक बार में किया जाए या दो फेजेस में किया जाए। कहा जा रहा है कि अगर दो अलग अलग फेजेस में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो फिर 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें से 12 बीजेपी के होंगे, जबकि शिंदे खेमे के 7 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। अगर सिर्फ एक फेज में विस्तार हुआ तो फिर बीजेपी के 26 सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सकता है, जबकि शिंदे गुट के 14-15 नेताओं को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार रात को दिल्ली रवाना होने के अपने कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिंदे के दौरे के अचानक रद्द होने का कोई कारण नहीं बताया है। शिंदे के दिल्ली दौरे की घोषणा मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों के बीच की गई थी। शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के लगभग 1 महीने बाद भी राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शिंदे और फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता संभालने के बाद कई बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी नहीं मिल रही है। दिल्ली दौरे के वक्त कहा जाता है कि शिंदे और फडणवीस जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने खड़ा होता है कि क्या शिंदे और फडणवीस के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्या शिंदे और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बीजेपी ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बीजेपी ने सामने रखा था। एक बात लगातार कही जाती रही है कि एकनाथ शिंदे को बेशक मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन सुपर पावर बीजेपी ही बनी रहेगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर पद के लिहाज से उन्हें छोटा कर दिया गया है। लिहाजा हमने देखा कि बीजेपी में चाहे चंद्रकांत पाटिल हों या कई अन्य सुर हैं जो वो मुखर रूप से सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर एक असंतोष बीजेपी में देखने को मिलता है या नाखुशी देखने को मिलती है। ये नाखुशी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में हमने जो आपको बात बताई है वो एक फेज या दो फेज की बात बताई है। इसका एक बहुत अहम कारण है। दरअसल यदि एक ही फेज में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ये तय माना जाएगा कि इसमें असंतुष्टों की तादाद बढ़ सकती है, खास तौर पर एकनाथ शिंदे गुट में। एकनाथ शिंदे गुट में जितने भी लोग उनके साथ में टूटकर आए हैं वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बेहतर अपने लिए चाहते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या सभी बागी विधायकों को एकनाथ शिंदे और बीजेपी संतुष्ट कर पाती है। यदि हाँ तो कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म निकाला जाएगा। फेज वाइज मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इसमें क्या एक फेज में मंत्रिमंडल विस्तार करके अगले फेज की उम्मीदों के साथ बाकी के लोगों को रोका जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा डर ये है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा नाराज होकर कई लोग टूटकर दोबारा उद्धव ठाकरे खेमे में जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे से अब भी पूरी तरह से किसी की दूरियां नहीं है और निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे और उनका खेमा इन प्रयासों में जुटा हुआ है कि बागी हुए विधायक उनके साथ दोबारा जुट जाए। ऐसा कोई भी मौका जब भी आता है तो सरकार एक बार फिर संकट में आती है। हालांकि एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं, पर यह एकनाथ शिंदे के अकेले बूते की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे को लगातार इन सभी लोगों का समर्थन चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सभी को संतुष्ट रखें, और ये तभी मुमकिन है जब सभी जिन उम्मीदों के साथ में एकनाथ शिंदे के साथ में आए हैं वो उम्मीदें पूरी हों।
ये मुश्किल लगता है, लेकिन बीजेपी भी एकनाथ शिंदे की इस चुनौती को जानती है। बहरहाल बीजेपी एकनाथ शिंदे आमने सामने, एकनाथ शिंदे उनके विधायक आमने सामने, इनके हित आमने सामने, इन सभी समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखें लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं, इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इस पर बाकायदा एक फॉर्मूला बन गया है, बहुत मुमकिन है दो फेजेज में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।